अधिकारियों की चाय हराम हमारे लिए, हम तो मिला दो पर हमें नहीं पीनी। चलो आए बारह बजे सर, आप सर की बात नहीं होता है। भाई जब तक कोई दूसरा आदेश ना आए कल के लिए तैयार रहना सर्कल पे, और आज अपना अपना काम करें। अगर आज आपकी संतुष्टि नहीं होती कल भारी संख्या में सारे साथी, और जो अभी तक आए उनको मना कर देना, आने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील खटाना जी। खटाना जी, क्या मामला आज बड़े बिजली कर्मचारी इतने गुस्से में? आज हमारे फरीदाबाद में हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के डायरेक्टर साहब आए हुए हैं। हमारे यहाँ फरीदाबाद सर्कल में स्पेशली एनआईटी जो डिवीजन है, उस एनआईटी डिवीजन में से 5 कर्मचारी इन्होंने बाहर कर रखे हैं। उनको सरप्लस दिखाकर ये लोग कहते हैं कि जो ये कर्मचारी हैं ये डायरेक्टर साहब के आदेश पर हमने निकाले हैं। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का ये कारण है कि डायरेक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारे बिजली कर्मचारी हैं जिन्हें आप निकाल रहे हैं बाहर, ये किस आदेश पर आप निकाल रहे हैं? ये मैनेजमेंट जो है या तो सरकार के खिलाफ काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी 20 जुलाई को वार्ता हुई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये बताया गया था कि बिजली बोर्ड हो चाहे हरियाणा प्रदेश में कोई भी महकमा हो, किसी भी कच्चे कर्मचारियों को हम बाहर नहीं निकालेंगे। इसके बावजूद भी मैनेजमेंट का भय दिखाकर यहाँ के एससी साहब हमारे कर्मचारियों को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं, और नाम लेते हैं हमारे डायरेक्टर एसके बंसल साहब का कि बंसल साहब के आदेश पर हम इन कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो आज डायरेक्टर साहब हमारे बीच में, हम सिर्फ इस कारण से यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उनसे ये पूछा जाए कि डायरेक्टर साहब, जहाँ एक तरफ सरकार ये दम भरती है कि हम कच्चे कर्मचारियों को एक को भी महकमे से बाहर नहीं निकालेंगे, उसके बावजूद भी आप लोग तानाशाही करके इन कर्मचारियों पर जो बर्बरता नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सीधा सीधा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? तौर पर हम कहें तो ये मैनेजमेंट हरियाणा सरकार को बदनाम करना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं खुले तौर पर। और हम इन्हें चेताना चाहते हैं कि अगर हमारे कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश का कर्मचारी करेगा, और जिसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी न अधिकारियों की होगी, क्योंकि आपका एक ईएसआई में भी भर्ती है बिजली कर्मचारी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये लोग सरकार को विफल करना चाहते हैं। ईएसआई में एक आपका कर्मचारी भर्ती है, उसके खिलाफ क्या कह रहे हैं आप? शोषणबाजी, मतलब कल हमारे दो कर्मचारी, उनमें से एक कर्मचारी हमारा एक्सपायर हो गया था, और उसके साथ जो दूसरा कर्मचारी था उसको ट्रीटमेंट ना दिलाने की बजाय उसको ये अधिकारी पूरे दिन अपने साथ घुमाते रहे कि भाई ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। कार्रवाई के नाम पर उसको इतना टॉर्चर किया गया कि आज वो लड़का आईसीयू में भर्ती है, जिसके बारे में हमने अभी साहब को अवगत कराया कि एक बार उस कर्मचारी को जाकर आप हॉस्पिटल में देख लें, कि ऐसा ना हो कभी हम उससे भी हाथ धो बैठे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतराम लांबा। लांबा जी, क्या मामला है आज ये? ये मामला हमारे जो दो कर्मचारियों का एक्सीडेंट हुआ था, और कुछ कर्मचारी जो हमारे निकाल रखे थे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार हमारी कह रही है कि भाई किसी भी कर्मचारी को छेड़ा नहीं जाएगा, चलो निकालना था निकालना, देखा जाए, ये नहीं कि कोई किसी को भी बीच में से पकड़े और किसी निर्दोष पर दोष लगा के उसे निकाला जाता और अपने आदमियों को बीच में ठूंका जाता है। हमने देखा कि जहाँ जो भी सिफारसी लड़के आते हैं उन्हें बीच में, इससे जो एक्सीडेंट मैन होने का कारण है ये इनकी तानाशाही है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारा कर्मचारी है, पुराना कर्मचारी है, वो तो निकल जाता है, उसकी जगह नए कर्मचारी अपनी मनमर्जी से थोप लेते हैं। सरकार की जब नीति है कि किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन बार बार हमारे कहने के बाद बार बार ये बात बताने का, मेरे को तो लगता है ये कांग्रेस के आदमी हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके आदमियों को लगा रहे हैं। और सरकार को अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन के दौरान जो भी है हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, इसको आप विरोध करेंगे इसका सरकार के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मतलब क्या सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर? बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। जितना रोज फरीदाबाद में आज इनकी तानाशाही के खिलाफ, जिस हमारे का भी एक नंबर का एक साथी निकाल रखा है, 25 सेक्टर से बंदा निकाल रखा है, अब 2-3 असेंबली नंबर 3 से बंदे निकाल रखे हैं, जिसका चीज चाहे उस पर गलत आरोप लगा के उन्हीं बंदों को बाहर कर देते हैं, और उनकी जगह जो सिफारसी है उनके चाहे थे बंदे।